देखिए, फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स में जो है मैथ्स की जरूरत पड़ती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं, तो उसका एक ब्रांच है उसको कहते हैं कैलकुलस। क्या कहते हैं? नाम अजीब लग रहा है ना। इसकी खोज का हल्का सा फंडा बता देता हूँ। ईयर मुझे याद नहीं है, 1665 के आसपास की बात है। ब्रिटेन में प्लेग आया हुआ था, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई थी सब, जैसे कोरोना में नहीं, कोविड में बंद हो गई थी, वैसे बंद हो गई थी। तो हम जैसे जो टीचर्स थे वहाँ पर, उनको तो अपना सैलरी मिलती थी, अपना आराम से मस्त टहल रहे थे आराम से, भाई जो जो प्रिकॉशन से लो, घर में पड़े रहो। और उसी बीच में एक टीचर थे जिनका नाम शायद कोई नहीं जानता हो, सर आइजक न्यूटन। वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या सूझा, वो अपना कुछ खुरबुर करते रहे, 2 साल तक बंद रही। और 2 साल के बाद जब वो कॉलेज में आए तो उन्होंने कहा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलस। ये नई ब्रांच खोज कर दी उन्होंने, ठीक है। फार्मूले जितने पढ़ेंगे आप इंटर में, उसमें न्यूटन का कहीं नाम मिलेगा नहीं आपको। न्यूटन ने वो फार्मूले बनाए हैं जो बिल्कुल खोपड़ी फाड़ू वाले फार्मूले थे, वो बड़े क्लासेस में आपको मिलेंगे। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब लोग बनाते रहे, और जिसने हो जोड़ी बंद करी इसको, बंद कर दो। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर जिसने बनाया, जिस समय नंबर जोड़े गए होंगे मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग में, उसमें लोग चौड़े हुए होंगे ना, 2 + 2 = 4, आई हैव डन। फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाया गया होगा, ए प्लस बी होल क्यूब खोला गया होगा, न्यूटन साहब देखते रहे होंगे, देखते रहोगे ए प्लस बी पावर 2, 3, 4, बोला अच्छा ठीक है। न्यूटन ने कहा ए प्लस बी पावर एन, लो एक के बाद काम। और बोले एन मतलब चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 1/2 हो, कोई सब चलेगा, ले। तो ये न्यूटन साहब की देन है। इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। यानी एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। अगर मैं ये कहूँ कि इसको डीपली मैं पढ़ाऊँगा, तो मुझे इंटीग्रेशन के सभी मेथड्स बताने के लिए आरडी शर्मा में 32 एक्सरसाइज हैं केवल इनडेफिनेट इंटीग्रल की। तो 45 दिन चाहिए तो इंटीग्रल का केवल मेथड आरडी शर्मा से पढ़ाने के लिए, और कम से कम इसको चाहिए 15 दिन पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इन सबको हमको पढ़ाना है आज या कल, बस एक दिन में। तो यानी समझ सकते हैं कितना शॉर्ट में हम आपको बताएंगे इसका। पहले लॉजिक समझ लीजिएगा, पहले हम डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहे हैं। कैलकुलस में पहला चीज़ डिफरेंशिएशन। और ख़ास बात समझिएगा, जितनी मैथ आज से लेकर के मरने के पहले तक पढ़ोगे, ठीक है, उसमें 60% केवल कैलकुलस है, 40% भी और सब जितने चक्रम पकड़म है सब है, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन होता क्या है, पहले समझ लीजिएगा लफड़ा क्या है। दो तरीके से इसको समझाएंगे। पहला ये है कि जैसे मान लिया आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है। देखिए अगर हम एक एक्सिस खींचें, एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई लाइन है, और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो क्या बता सकते हैं कि टेन थीटा क्या कहलाता है? इस लाइन का टेन थीटा क्या कहलाता है? ये टेंथ की बात है, ये नहीं बना रही है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो इंटर की बात है, ये हाई स्कूल की बात है। टेन थीटा यहाँ क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ द लाइन। यानी इस लाइन का जो स्लोप कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? टेन थीटा। मालूम है ना, तुम लोगों को मालूम होगा, हाँ हाँ बोलते रहना। जैसे वो आला नहीं होता है, जब आला कोई गाता है तो एक आदमी गाता है और एक आदमी लास्ट में राइम मिलाता ऐसे बोलता है, तो वैसे ही होता है। अच्छा मान लेते हैं ये लाइन दो पॉइंट से होकर जा रही है, ठीक है, ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन और ये पॉइंट है एक्स टू वाई टू, है ना। और एक्स वन वाई वन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी क्या है? एक्स वन। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी क्या है? वाई वन। और इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी एक्स टू है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी y2 है। अगर हम ये लाइन यहाँ से खींच दें AC, ये AB है, ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा। नाम करेस्पॉन्डिंग, हम कई बार बता चुके हैं इसलिए तुमको मालूम होगा, करेस्पॉन्डिंग बोला जाएगा, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना। तो यानी कि इस ट्रायंगल में टेन थीटा निकालने का तरीका क्या है? BC अपान AC, इससे भी टेन थीटा निकल सकता है। यानी कैसे निकलेगा? BC अपान AC।
क्या इस डायग्राम में बता सकते हैं बी सी की वैल्यू कितनी होगी? बी सी की वैल्यू होगी कितनी? समझ में ना आए तो ज़्यादा दिमाग लगा, ठीक है, जितना समझ में आए उतना समझिएगा। तो ये तो हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, ले खड़े हो गए, ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी ये हो गया डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, ठीक है, इसी को कहते हैं स्लोप और यही है डिफरेंशिएशन। क्या है ये? यही डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी लाइन का स्लोप निकालना, ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अब जरा थोड़ा और बातें करते हैं, ये नोट करते रहिए फटाफट, रफली इसको नोट करते रहिए। अब देखिए, अगर ये जो लाइन हम खींचे थे ना, ये लाइन ना होकर के हम एक कर्व खींच देते, ठीक है, हम एक कर्व खींच देते और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वन वाई वन, और इस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ओरिजिन से ये दूरी एक्स वन है और ओरिजिन से दूरी वाई वन है, सही कह रहा हूं ना मैं? एक दूसरा पॉइंट इसमें ले लेते हैं हम बी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स टू वाई टू, और इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के ये दूरी एक्स टू है और यहां से लेकर के ये दूरी वाई टू है ना, यानी ये अच्छा ये ए सी है और ये हमने थीटा मान लिया, अभी इसको थीटा माना है और हमने इस ए बी को ऐसे मिला दिया, ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर हम ए बी का स्लोप निकालना चाहें, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, तो फिर वही निकलेगा एम बराबर टेन थीटा, फॉर्मूला वही होगा वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स होगा, नहीं होगा? अब जरा एक जादू देखिए, यही जादू कैलकुलस क्या है, देखिए ध्यान से, अगर हम इस पॉइंट को इसके नज़दीक ले आवें और ले आवें बहुत नज़दीक ले आवें तो क्या चीज़ बदलेगी, क्या होगा इसमें? थीटा से क्या मतलब है? ये डिफरेंस कम होता जाएगा भाई। देखिए, जब आपने पॉइंट यहाँ लिया है, ऐसे ऐसे खींचा है ना आपने, तो ये आपने ऐसे खींचा है, ऐसे आपने कहा ये डेल्टा वाई ये डेल्टा एक्स है, अगर इस पॉइंट को यहाँ ले आओगे तो आप लाइन ऐसे खींचोगे तो ये डेल्टा वाई हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स कम हुआ कि नहीं हुआ? दोनों कम हो रहे हैं ना, दोनों चेंज हो रहे हैं ना, और जो चीज़ चेंज होती है उसको मैथमेटिक्स की भाषा में क्या कहा जाता है? वेरिएबल, और जो नहीं चेंज होती वो कॉन्स्टेंट। और इसको नज़दीक ले आओ तो ये और चेंज हो जाएगा, और नज़दीक ले आओ, इतना नज़दीक लाओ, इतना नज़दीक लाओ बिल्कुल चिन्नी भर दूर रह जाए, तो ये डिफरेंस बहुत 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 इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर बहुत नज़दीक ले आओगे तो ये जो लाइन दो पॉइंट से होकर जा रही थी, ये लाइन लगेगा नहीं कि एक ही पॉइंट से होकर जा रही है, दोनों पॉइंट दो ना होकर के एक पॉइंट है, तो ये लाइन क्या बन जाएगी? टेंजेंट नहीं बन जाएगी। अगर कोई लाइन दो जगह किसी कर्व को कट कर रही है तो उस लाइन को क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। ये दो लाइन कर रही है, और अगर ये एक ही पॉइंट पर करे तो टेंजेंट। तो यानी कि अगर ये कह रहे हैं कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बहुत बहुत स्मॉल है, इफ डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो है एंड डेल्टा एक्स भी टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो के बहुत 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 क्लोज, ठीक है, तो इसी को हम जो एम कहेंगे, इसी को कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो जहां पर डी हो जाए आप समझ जाइएगा कि डिफरेंस इन वाई अपान डिफरेंस इन एक्स, ठीक है, लेकिन डिफरेंस कितना स्मॉल है? वेरी 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 क्लोज, जीरो नहीं है लेकिन इतना क्लोज है कि बहुत ही क्लोज है, ठीक है, तो इसी को कहेंगे, यानी ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो किसी पॉइंट पर किसी कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालने का मेथड क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसे नोट करिए, फिर अब हम बताएंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है भाई। आप कहेंगे हमारी फिजिक्स में अभी तक जो पढ़ा उसमें टेंजेंट तो बन नहीं रही, कहीं स्लोप तो बन नहीं रहा, कोई कर्व तो बनेगा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, नोट करिए भाई, आप कहेंगे स्लोप होता है, ये होता है, सेकेंड होता है, टेंजेंट होता है, या फिजिक्स की क्या जरूरत इसकी है? अब जरा सावधान,
देखिए, जैसे आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक सेकंड में आप 1 मीटर चले, अगले सेकंड में आप 2 मीटर चले, 3 सेकंड में आप 3 मीटर चले, यानी आपके पास टाइम भी चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ाने के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, तो डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम पर, टाइम तो चेंज ही होना है, तो यानी टाइम नहीं चेंज होगा तो लो घड़ी बंद कर दिया, जो टाइम नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस जो है यहाँ पर या डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है, पर एक बात समझ में आ गई, दूसरी बात समझिएगा। यानी कि जो एस है वो डिपेंड करता है किस पर, तो लिखा जाता है एस इज द फंक्शन ऑफ टी। अगर एस किस पर डिपेंड करता है, टी पर डिपेंड करता है। जैसे आपकी वेलोसिटी 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, तो इसमें कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। किसके साथ चेंज हो रही है? टाइम के साथ चेंज हो रही है। टाइम बदलता रहेगा, वेलोसिटी बदलती रहेगी, तो वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट है। अब ये टाइम नहीं कहेगा भाई वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो हम नहीं चेंज होंगे, घड़ी बंद बोले वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हम नहीं चेंज होंगे, तो यानी कि टाइम को तो चेंज ही होना है। तो अगर हम दो फंक्शन लेके चलें, दो फंक्शन लेके चलें, एक ले लें एक्स और एक ले लें वाई, और हम कहें एक्स पर वाई डिपेंड करता है, तो क्या लिखा जाएगा? वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब आप पकड़िए कैलकुलस जो हम बताना चाहते हैं, ठीक है। अगर वाई किस पर डिपेंड करता है? एक्स पर डिपेंड करता है। जैसे यू आर द फंक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, उनकी हैसियत है तो आप कार से आएंगे, उनकी हैसियत है तो पैदल आएंगे, उनकी पोजीशन चेंज होगी तो आपकी पोजीशन चेंज होनी है। नहीं, यू आर द फंक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है, पोजीशन दोनों की चेंज होनी है। चेंज एक्स भी हो रहा है, चेंज वाई भी हो रहा है, तो जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। और वाई भी चेंज हो रहा है, वाई को भी क्या कहेंगे हम? वेरिएबल, ठीक है। लेकिन यहां पर वाई किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है, और एक्स किसी पर नहीं डिपेंड कर रहा है, तो एक्स यहां पर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहीं से आपकी कैलकुलस स्टार्ट होनी है। वो तो कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन टेन थीटा स्लोप होता है, बस काम खत्म। लेकिन डिफरेंशिएशन का यूज क्या, वो मैं समझा रहा हूं। यानी कि अगर वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स के बदलने पर वाई बदलेगा, ठीक है। यानी वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जरा सावधान, अगर मैं एक्स में चेंज कर दूं डेल्टा एक्स, तो वाई में क्या चेंज हो जाएगा? डेल्टा वाई, ठीक है। तो यहां पर अगर हम निकालें कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, तो आप लिखेंगे चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या लिखा जाएगा? चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई में चेंज। और अगर चेंज बहुत स्मॉल है, इफ दिस चेंज इज वेरी स्मॉल, इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, अब जीरो किसको लिया जाएगा? अभी हमने इसके पहले वाले में डेल्टा वाई को भी जीरो लिया था, लेकिन वाई की वैल्यू चेंज होना किस पर डिपेंड करता है? तो हम एक्स के ही चेंज को मानेंगे। अगर चेंज बहुत 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 स्मॉल है तो इसको लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स। समझ में बात नहीं आई? मतलब ये जो डी वाई डी एक्स है ना, ये डिफ्रेंशिएट करता है। क्या करता है? मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, पहले डिफरेंस निकाला है इसका, इसका पहले आपने क्या निकाला है? डिफरेंस निकाला है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या है, क्या किया है? डिवीजन किया है। पहले आपने डिफरेंस दोनों का निकाला और फिर डिवीजन किया है, तो उसी में डिफरेंस का थोड़ा सा पार्ट और डिवीजन का थोड़ा सा पार्ट मिला दिया गया, और नाम क्या दे दिया गया? डिफरेंशिएशन। डिवीजन से कुछ वर्ड लिया गया होगा, डिफरेंस से कुछ लिया गया होगा, ठीक है। द डिफरेंस प्लस फिर डिवीजन, तो ये आपका डिफरेंशिएशन होता है। और डी बाई डी एक्स क्या करता है? वाई को डिफरेंशिएट करता है। और जब कोई आदमी कोई काम करता है तो उसको ऑपरेटर कहा जाता है। कंप्यूटर का काम करे तो कंप्यूटर ऑपरेटर, जनरेटर का काम करे जनरेटर ऑपरेटर, और जो डिफरेंशिएशन काम करे वो डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो यहाँ डी बाई डी एक्स क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल ऑपरेटर। समझ में बात नहीं आई? डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब इस जो डी बाई डी एक्स है इसको
वाई को डिफ्रेंशिएट करना है कि एक्स में बहुत स्मॉल चेंज होने पर वाई में कितना चेंज आएगा, ठीक है। इसे नोट करिए, मेन यही है जहां से आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है। अब यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे हम एक सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, हमारी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकेंड में 2 मीटर करते हैं तो हमारी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, तो हमने कहा ठीक इसी तरीके से हम 2 घंटे चलें और हमारी ये स्पीड है तो हमारा मास कितना है, नहीं या मेरा या टाइम इतना चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट इतना चेंज हुआ तो हमारा मास कितना चेंज हुआ, बोले मास कितना तोड़ना पड़ेगा। तो मास क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, माइस मास से उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप कुछ फार्मूले बताते हैं, जैसे हमने क्या कहा वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई मान लिया कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब होता क्या वो चेंज नहीं होगा, और आपको वाई का डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन आप समझ जाएंगे क्या करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है कि डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, जीरो, क्योंकि इसमें चेंज होने वाला है नहीं। इसका वैसे तरीका होता है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किया जाएगा, लेकिन वो मैथमेटिक्स में किया जाएगा, फिजिक्स में जितना करना उतना हम बता रहे हैं। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड, एक मेथड आपको बताया जाएगा, उस मेथड से प्रूफ कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज करना है और वहाँ एक्स है ये नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो चेंज होगा नहीं। दूसरा, अब मैं केवल डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, वाई नहीं लिख रहा हूँ। अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है एक्स की पावर एन का, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स वेरिएबल होगा, पावर में कांस्टेंट होगा, तो एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। फॉर्मूले याद कर लीजिए, ये मतलब याद ही कर लीजिए, कहाँ से आया आप ना पूछिएगा हमसे, ये मैथमेटिक्स में प्रूफ करा दिया जाएगा, वहाँ पर अभी नहीं कराया जाएगा। जैसे आपको डी बाई डी एक्स करना होगा एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x पावर 3 माइनस 1, ठीक है। अगला फार्मूला, अगर डी बाई डी एक्स करना है ई टू पावर एक्स का, ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू पावर एक्स, ई का मतलब ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ज़्यादा दिमाग में लगाइएगा, कुल फार्मूले याद कर लीजिएगा। डी बाई डी एक्स करना है लॉग एक्स का, अब देखिए कैलकुलस में अगर लॉग एक्स दिया हुआ है तो आपने पढ़ा होगा लॉग, पढ़ा है ना, पढ़ा ही नहीं लॉग, एक्सपोनेंशियल को लॉग में बदलना वगैरह कहीं नहीं बताया गया, तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जैसे 5 to power 2 = 25, ये तो पढ़ा होगा ना, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या कहते हैं इसको, और अगर इसको लॉग में बदलना है तो ये लॉग लिखा जाता है, और ये जो एक्सपोनेंट होता है ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ जो इसको कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस, और ये कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर, और वो है आंसर। तो यहाँ पर जो बेस होता है वो यहाँ पर आ जाता है 5, ठीक है, और जो आंसर होता है यहाँ लिखा जाता है इज इक्वल टू 2। ये एक्सपोनेंट को लॉग में बदलने का मेथड होता है, ठीक है। अब लॉग की टेबल तैयार की भाई साहब ने, बहुत भयंकर टेबल है, उसको एक तो अब देखना भी लोग नहीं जानते, पहले भी नहीं जानते थे, 2-3 डिजिट तक हम लोगों ने बहुत डिटेल पढ़ा लॉग, बाद में हटा दिया गया क्योंकि सिलेबस को हल्का कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर बोझ न पड़े, कंपटीशन वर्ड से करना है। अभी पहले तो कंपटीशन गांव में हुआ करता था केवल, अभी कंपटीशन कहाँ होगा, वर्ल्ड से, मल्टीनेशनल कंपनी में आप नौकरी करेंगे, जहां अप्लाई आप भी करेंगे, फ्रांस का लड़का भी करेगा, जापान का भी करेगा, और बैग का बोझ और हल्का और हल्का और हल्का, 6 तक 2 की टेबल पढ़ के जाओ। तो अब ठीक है, चलिए ये लॉग होता है, तो ये बेस होता है, ये क्या होता है, बेस। कैलकुलस में अगर लॉग लिखा हुआ है और बेस नहीं लिखा है तो बेस हमेशा ई माना जाएगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ये यूज नहीं होंगे आपके फिजिक्स में, चिंता मत करिए, कहीं नहीं यूज होंगे, नीट वगैरह तो पेपर दोगे तो वहां पर यूज होंगे, ये वहां पर जरूरत पड़ेगी, आपका है दोगे नीट का पेपर। अगर डी बाई डी एक्स करना है लॉग एक्स का ही करना है, लेकिन बेस ई के अलावा कुछ दिया है, कुछ भी हो सकता है, ई के अलावा कुछ भी हो, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log e टू बेस ई। छठा फार्मूला है
डी बाई डी एक्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, e टू पावर x, अगर e की पावर के अलावा कोई भी फंक्शन हो a टू पावर x, तो हो जाएगा a टू पावर x log a टू बेस e। ये फार्मूले होते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए पहले आप, ठीक है। अब देखिए छह ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले देख लीजिएगा, अगर d बाई डी एक्स करना है साइन x का, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, अगर d बाई डी एक्स करना है cos x का, तो cos x का होता है माइनस साइन x। अब आप कहेंगे सब आ कहाँ से रहा है, ये जादू है, जादू होता नहीं, वो ऐसे ऐसे करते कबूतर निकाल देते हैं, ठीक है, हाँ कब वैसे ही से कर देते, वैसे ही से यहाँ जादू है। ये मैथमेटिक्स में आपको प्रूफ कराया जाएगा, प्रूफ करा जाएगा क्योंकि यहाँ केवल फिजिक्स में उसका इस्तेमाल करना इसलिए बताया जा रहा है। डी बाई डी एक्स होता है टेन एक्स का, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स होता है सेक एक्स का, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स होता है कॉट एक्स का, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स होता है कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो जो डिफ्रेंसिएशन हम बता रहे हैं इसका इस्तेमाल तो 10% है, पूरी फिजिक्स में 10% यूज़ होगा, ठीक है, 90% इस्तेमाल इंटीग्रेशन का होना, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका यूज़ करना बताएं कि कहाँ पर ये यूज़फुल है। अब मैं इसका इस्तेमाल बता रहा हूँ, हमने भी कहा कि भाई आप 2 मीटर चले 1 सेकंड में, कितनी वेलोसिटी आपकी है 2/1, यानी आपकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, है ना। आप 3 मीटर चले 3 सेकंड में, तो आपकी वेलोसिटी कितनी है 3/3, 1 मीटर पर सेकंड। आप सोच रहे होंगे कैलकुलस करके दे रहा, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। अब मान लिया टाइम पर किस तरह डिपेंड कर रही है, उसमें टाइम और डिस्टेंस का एक इक्वेशन दिया s बराबर t² + 5। अब s इज द फंक्शन ऑफ t, s इज द फंक्शन ऑफ t। अब बोले इसकी वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड बाद, अब क्या करेंगे आप, तो 2 सेकंड में बताइए, 2 सेकंड में वेलोसिटी बतानी है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, s को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपसे हमने कहा 2 सेकंड में वेलोसिटी बताइए, तो आप कहेंगे ये बताइए t को 2 सेकंड रख देंगे, रख दिया, तो जब 2 सेकंड रखेंगे तो s बराबर आ जाएगा 4 + 5, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 9 मीटर आ गई, और टाइम कितना है 2 सेकंड, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 9/2। हम निकालेंगे कहाँ कैलकुलस में पड़े हो, इसका मतलब जानते हो 9 मीटर चलने में आपने कितना टाइम लिया, ये जो वेलोसिटी हमने निकाला है ना वो पूरे 9 मीटर के दौरान आपकी वेलोसिटी है। हमने कहा 2 सेकंड पे टी बराबर 2 सेकंड वेलोसिटी बताओ, मतलब बिल्कुल जब 2 सेकंड हुआ है ना उसमें धम वो वेलोसिटी बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ उसी वक्त, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने टाइम क्या लिया है 2 सेकंड तक वेलोसिटी नहीं बतानी है। अगर हमसे कहा गया था कि s t पर इस प्रकार डिपेंड करता है 2 सेकंड तक बॉडी की वेलोसिटी कितनी रही, तो आपने 2 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लिया जो कि निकली है 9 मीटर, और टाइम कितना था 2 सेकंड, वेलोसिटी कैसे निकाली आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने कहा नहीं 2 सेकंड में बताओ, अभी अभी बताओ, बिल्कुल घड़ी देखो तो 3 सेकंड हो गया, वो घड़ी इतनी जल्दी देखो कि मतलब देख ही ना पाओ और टाइम हो जाए, तो आप क्या करेंगे इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा एस पॉन डेल्टा टी होता है, यानी आपको क्या करना है डी एस बाई डी टी, तो डी बाई डी टी किसका करना है एस का करना है, तो डी बाई डी टी टी स्क्वायर का करना है और डी बाई डी टी 5 का करना है। टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या लगेगा अभी हम बता चुके हैं, अभी हमने किस कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पर, अभी आप डी बाई डी एक्स आप किसका कर रहे थे एक्स पावर एन का क्या कर रहे थे एन एक्स पावर, तो इसका क्या हो जाएगा 2t की पावर, और 5 का क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि 2t आ गया। ये वेलोसिटी निकली है डी एस बाई डी टी और आपको 2 सेकंड में निकालना है, तो
डी एस बाई डी टी वेन टी बराबर 2 सेकेंड, यानी 4 आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलासिटी कब होगी, जैसे ही 2 सेकेंड होगा थम, वो वेलासिटी, बोले थम मतलब रुक गए, वेलासिटी कितनी हो गई उस समय, वेलासिटी आपकी कितनी है इंस्टेंटेनियस, कि जैसे घड़ी में 2 सेकेंड बिल्कुल टाइम हुआ उसमें आपकी वेलासिटी कितनी है, इंस्टेंटेनियस वेलासिटी कितनी होती है। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या नापता है, स्पीड नापता है, ठीक है, तो वो कौन सी स्पीड नापता है, वो ये थोड़ी नापता है कि आप यहाँ से वहाँ तक कितनी कितनी स्पीड से गए, वो एवरेज नहीं नापता, वो इंस्टेंटेनियस नापता है। अगर स्वीट 9 पर है, 10 पे है, तो आपकी स्पीड क्या 10 रही है, उस समय कितनी है वो नापता है, ठीक है। तो ये उस जो है यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे, नोट करिए, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, नीट वगैरह हम तो पूछा ही जाता, मतलब अब आप कहीं नीट नीट क्यों बाबा कर रहे हो, हमें नीट कौन देना है, मैं ऐसे बता रहा हूँ।